अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पर नाजमाबाद के इलाके में और यहाँ पर हमारे खान साहब मौजूद हैं जो कि चिप्स तैयार करते हैं। हम उनसे ज़रूर पूछेंगे अभी कि वो चिप्स में कैसे कैसे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जी खान साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक है अल्लाह का शुक्र भाई। बताओ चिप्स में क्या क्या चीज़ें डालते हो? चिप्स बनते हैं भाई आलू से। अच्छा, और उसमें जीरा वगैरह, धनिया वगैरह, ये मसाले वगैरह होते हैं। ठीक है, किसी का बनाते हैं थोड़ा बहुत मैदा भी होते हैं बीच में। सही हो गया। तो बाहर हाल हम इसे डबल फ्राई करते हैं आलू को। अच्छा, तो अगर खर्चा ज़्यादा हो जाता है मगर ये है ना, बिकता सही है। चिप्स हमारे होते करारा। हाँ माशाल्लाह, चिप्स आपकी अच्छी होती है। तो जैसे लोग कहते हैं मैं वैसे बना देता हूँ। अच्छा, अगर तू कहेगा कि भैया हमें ठंडे दे दो तो हम ठंडे चीज़ भी दे देते हैं, तू कहेगा गर्म दे दो हम गर्म ही दे देते हैं। अच्छा, कोई कहता हमें फ्रेश करके बना के दे दे, हम फ्रेश करके काट के दे देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, किसी को नाराज नहीं करता। क्योंकि है सारे मालदार हमारे। अच्छा जी जी, वाले सलाम जनाब। किसी को नाराज नहीं करते खान साहब ऐसे? नहीं करते, क्योंकि है रोजी का मसला हमारा। ये बात तो है। और खान साहब, शादी ब्याह के मौके पे भी चिप्स तैयार करते हो? जी जी। वो क्या पैकेज होता है? वो जैसा बस, क्योंकि हमारा वही दिहाड़ी वाले हिसाब होते। अच्छा, तो आप एक दिन के पैसे चार्ज करते हो ऐसे? यानी किसी को हम खाली नहीं बेचते। अच्छा, ये जी खान साहब हमारे चिप्स तैयार करने लगे, पैकेट बनाने लगे हैं 20 रुपए का। दो दस की। ठीक है, जब किसी भाई ने रब्ता करना हो शादी ब्याह के मौके के लिए तो क्या आप उसको पैकेज फ्राहम करेंगे? मैंने तो बता दिया ना, शुरू शुरू में पहले बता दिया। मतलब दिहाड़ी होती है आपकी? हमारा सिर्फ बड़े हिसाब है। अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, शादी ब्याह में फिर एक बंदे का काम भी नहीं होता, दो बंदे कम से कम लगना पड़ेगा। अच्छा, तो वो अपना सेटअप भी दे सकते हैं, आप अपनी रेडी भी लेकर जा सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। ये हमारे खान साहब के बेटा जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आपको भी आती चिप्स बनानी? स्कूल नहीं जाते? जाते हो? छुट्टियाँ चल रही हैं, अयाशी प्रोग्राम है इस वक्त। ये जी हमारे पास खान साहब की चिप्स जैसे बनती है तो हम भी देखते हैं कि कैसी बनी है चिप्स, थोड़ी देर में इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ये दो कोट इसके किए जाते हैं, पहले कोट में सिर्फ आलू को डीप फ्राई करने की बजाय हल्का सा इसको हीट देते हैं ताकि क्रिस्पी बने, जिस तरह से अभी यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास इन्होंने चिप्स को एक कोट करके पहले उसको थोड़ा सा हीट कर लिया। खास अभी हाफ फ्राई हो गया? नहीं, वैसे बन गया थोड़ा बहुत, बीच में कच्चा रह जाता है। अच्छा, हल्का फुल्का कच्चा रह गया। अच्छा, ये जी हमारे आलू तैयार हो चुके हैं। आ जा ना। वो ना 30 लगे सकी रे। ये खान साहब ने पहला कोट कर लिया चिप्स का। पहला कोट करने के बाद इसको दोबारा से इस पे लगाएंगे इसका मटेरियल ताकि क्रिस्पी ज़्यादा हो जाए।
ये जी खान साहब ने दूसरा कोट लगा के चिप्स पे, तो इसको फ्राई करने के लिए दोबारा से छोड़ दिया। ये आप देखें कितने मज़ेदार खुशबू आ रही है हमें चिप्स की। अब इसको स्टीम में रख देंगे और हम खान साहब से कहेंगे जी हमें भी वो निकाल के दें 50 रुपये की प्लेट। इस तरह से आलू को काटा जाता है और इस तरह से इसको रख दिया जाता है। ये देखें आप, यहाँ पे खान साहब ने अपने आलू स्टोर किए हुए हैं। और ये है हमारी ज़रा खूबसूरत सी रेड़ी। ये जी खान साहब का एक छोटा सा सेटअप है चिप्स का, जिसके अंदर ये रेड़ी रखते हैं अपनी, और यहाँ पे इनके आलू स्टोर होते हैं। आलू स्टोर होने की वजह से सोचा आपको रेड़ी का विज़िट भी करवा दें। तो यहाँ पे इस तरह से आलू स्टोर करके, तो इस तरह से सुबह को खान साहब निकलते हैं रोज़ी रोटी के लिए, और शाम तक वो मगरिब के बाद इशा के बाद तक अपना काम शाम करके तो घर पहुँच जाते हैं अपने बच्चों के पास। अब ये देखें चिप्स हमारा तैयार हो चुका है। ये साथ ही दूसरे चिप्स भी डाल देंगे ताकि टाइम बचे, और एट अ टाइम हमारे पास दो पैकेजेस के हिसाब से चिप्स हमारी तैयार होती रहे। मैंने ख़ास तौर पे ये टाइम उठाया है कि जिसके अंदर हमारे पास कम रश होता है। ये जी हमारी चिप्स यहाँ से तैयार हो चुकी है। इस तरह से चिप्स बनती है। और अभी हम खान साहब से कहेंगे कि हमें प्लेट भी निकाल के दें। खान साहब 10 रुपये की चिप्स तो निकालो प्लेट में, और फिर हम पैक भी करवाएंगे चिप्स लेकर जाने के लिए। ये देखें इस तरह से गर्म गर्म चिप्स निकाल दिए खान साहब ने। हाँ हल्का सा मसाला, थोड़ी सी केचप भी डाल दो ऊपर। हाँ ऊपर ही।